स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये परमाणु नाभिक का संगठन वीडियो स्टार्टिंग फॉर यूपी टीजीटी साइंस एंड 12th क्लास 11th क्लास एनसीईआरटी ठीक है एंड अदर वन डे एग्जाम ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है आज है परमाणु नाभिक का संगठन। परमाणु नाभिक किस प्रकार संगठित रहता है? परमाणु नाभिक की रचना प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों से होती है ठीक है। नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण तथा नाभिक का धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। तो नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कारण होता है। प्रोटोनों तथा न्यूट्रॉनों के कारण होता है यानी कि परमाणु की नाभिक का जो मास है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के कारण ही होता है तथा उसका धनावेश केवल प्रोटॉन के कारण होता है। नाभिक का धनावेश किसके कारण होता है? प्रोटॉनों के कारण होता है। प्रोटॉनों के कारण यानी नाभिक में जितना धनावेश है वो उनके प्रोटॉनों की उपस्थिति के कारण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लॉन कहते हैं। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के समूह को क्या कहते हैं? न्यूक्लॉन। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉन के समूह को न्यूक्लॉन कहते हैं। न्यूक्लॉनों की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है ठीक है। यानी कि द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूक्लॉन की कुल संख्या। न्यूक्लियन की कुल संख्या बराबर होती है द्रव्यमान संख्या। न्यूक्लॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर रहते हैं तथा नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में घूमते रहते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि जितना परमाणु पर धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है यानी कि प्रोटॉन पर जितना धनावेश होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर होती है और परमाणु विद्युत उदासीन बना रहता है। आगे आता है परमाणु क्रमांक या इसे परमाणु संख्या भी कहते हैं। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या इसको डिनोट करते हैं जेड से। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। किसी तत्व के परमाणु पर धनात्मक नाभिक आवेश इकाइयों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु पर किसी तत्व के परमाणु पर धनात्मक नाभिक आवेश नाभिक के आवेश इकाइयों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। दूसरा पॉइंट बनता है परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। ठीक है, प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है।
अब देखा गया है परमाणु क्रमांक जो होता है बराबर परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या एंड उदासीन परमाणु में उपस्थित ये लगभग बराबर होती है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी कि परमाणु क्रमांक सेट प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोनों के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।